व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। मैं हूं निकेत, आप देख रहे हैं जीटीएक्स की बड़ी। तो गाइस आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हाउ टू ज्वाइन जीटीएक्स की हमारे ऑफिशियल गिल्ड। तो गाइस भाई आप में से बहुत बंदे गाइस ऐसे हैं जो इस कस्टम कार्ड कुछ ज्यादा ही खेलते हैं। तो गाइस भाई मेरे को भी गाइस वैसे ही प्लेयर की जरूरत है जो बंदा कस्टम अच्छा खेलता हो, क्योंकि गाइस मेरे गिल्ड के अंदर कस्टम कार्ड कुछ ज्यादा ही खेला जाता है। और उसी के साथ साथ अगर आप भाई एक कस्टम लवर हो और गाइस आप कस्टम खेलना पसंद करते हो तो भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि गाइस भाई मेरा दो गिल्ड है, मेन गिल्ड एंड सेकंड गिल्ड, दोनों के अंदर गाइस कस्टम कार्ड कुछ ज्यादा ही खेला जाता है। और गाइस भाई दोनों के अंदर आपको ज्वाइन होना है तो उसके लिए कुछ छोटे मोटे रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए गाइस आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस भी आप गिल्ड के अंदर इजी तरीके से आ सकते हो और कस्टम कार्ड खेल सकते हो और ले भी सकते हो। और गाइस भाई इस वीडियो को भाई अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करना, अगर हो सके तो आपका फ्रेंड भी गिल्ड के अंदर आ सकता है और कस्टम कार्ड ले भी सकता है और कस्टम कार्ड खेल भी सकता है। और गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से गाइस लाइक कर देना भाई। इस वीडियो का लाइक टारगेट है ओनली 200 लाइक का, लाइक टारगेट जोर से कंप्लीट कराना। अगर आप चैनल पर न्यू आते चैनल को सब्सक्राइब से कर देना, घंटी वाला उस पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना, इसे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ऑल पे आ जाएगा। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रनवे के देखा। तो गाइस मेरा दो गिल्ड है, पहले गिल्ड का गाइस नाम है गेमिंग ग्रुप जो कि इसमें अपना मेन गिल्ड है। तो सेकंड गिल्ड है इसका नाम है जीटीएक्स गेमर 2 जो कि गाइस सेकंड गिल्ड है। तो गाइस मेन गिल्ड के अंदर भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट और गाइस क्या क्या भाई आपको करना पड़ेगा मेन गिल्ड के अंदर आने के लिए उसके बारे में पहले बताता हूँ, उसके बाद में गाइस आपको सेकंड गिल्ड के बारे में पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो गाइस भाई ये है अपना मेन गिल्ड जिसका नाम है गाइस गेमिंग ग्रुप। और गाइस भाई इस गिल्ड का लेवल है गाइस लेवल 4। और गाइस भाई इस गिल्ड का टोटल ग्लोरी गाइस भाई ये है वो है 440,000 के आसपास, ऑलमोस्ट 4.5 लाख के आसपास इस ग्लोरी है मेन गिल्ड का। और गाइस भाई इस गिल्ड का लेवल 4 है। तो गाइस इस गिल्ड के मेंबर लिस्ट के बारे में गाइस बात करें तो गाइस भाई टोटल इसके अंदर भाई 30 बंदे अभी है। और गाइस भाई टोटल साइज गाइस गिल्ड का 50 है, यानी कि 20 मेंबर का स्पेस गाइस अभी भी इसके अंदर बचा हुआ है। और उसी के साथ साथ जो 20 मेंबर अभी अपने गिल्ड के अंदर आने वाले हैं गाइस उनका क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में फटाफट से मैं बताता हूँ। बट उससे पहले टूर्नामेंट सेक्शन के अंदर चलते हैं। और गाइस भाई अपने गिल्ड के अंदर हर वीक यानी कि भाई फ्राइडे को यार 4,000 के आसपास डॉक्ट अकाउंट कंप्लीट हो जाता है, 3,000 प्लस ही डॉक्ट अकाउंट रहता है, उससे नीचे नहीं रहता है अपने गिल्ड का। तो गाइस कस्टम कार्ड का कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको हर वीक में सैटरडे को गाइस भी कस्टम कार्ड मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो गाइस गिल्ड का जो गाइस रिक्वायरमेंट है आने के लिए, तो गाइस सबसे पहला जो गाइस भाई आपको लेवल गाइस 30 प्लस होना चाहिए। गाइस भाई लेवल के ऊपर मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं किया, क्योंकि बंदे खेलने आएगा तो गाइस वो बंदा गिल्ड के अंदर आ सकता है, लेवल से कोई मतलब मैंने नहीं रखा है। तो गाइस सबसे पहली बात आपकी आईडी का लेवल 30 प्लस होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ जो गाइस भाई आपका रैंकेड का केडी है 2 प्लस का होना चाहिए। गाइस रैंकेड का केडी बहुत बंदे को चेक करने नहीं आता है, तो सिंपल अपना प्रोफाइल ओपन करना है एंड भाई अब लेफ्ट साइड में आपको ओवरव्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा सेकंड नंबर, उस पर क्लिक कर देना ओवरव्यू वाले ऑप्शन पे एंड आपको नीचे के साइड आपको लाइफ टाइम का केडी दिखाएगा, उस पर सिंपल क्लिक करना है एंड थर्ड नंबर पर रैंकेड सेलेक्ट करना और यहाँ पे आपका इस सीजन का रैंकेड का केडी शो करेगा। स्क्वाड डुगो और सोलो तीनों में से गाइस किन्हीं दो में आपको 2+ केडी होना चाहिए एंड 15+ का हेडशॉट रेट होना चाहिए, 15+ का ज्यादा नहीं गाइस भाई, 15+ का हेडशॉट रेट एंड 2+ का केडी रेट होना चाहिए सोलो डुओ एंड स्क्वाड तीनों में से किन्हीं दो में। जैसे सोलो डुओ में है और स्क्वाड में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, डुओ स्क्वाड में है सोलो में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, लेकिन आपका 2+ का केडी रेट होना चाहिए किन्हीं दो चीजों में एंड 15+ हेडशॉट रेट होना जरूरी है। क्योंकि गाइस भाई अपने गिल्ड के अंदर तगड़े बंदे चाहिए कस्टम खेलने के लिए, क्योंकि गिल्ड वर्सेस गिल्ड बहुत कस्टम होता है अपने गिल्ड के अंदर। अगर आपका गाइस उतना केडी रेट या आपका हेडशॉट रेट उतना नहीं है तो भाई अगर आपका कोई फ्रेंड है जो तगड़ा खेलता होगा तो भाई उन बंदों को इस वीडियो को शेयर करना और उन बंदों को बोलना इस गिल्ड के अंदर जरूर से जरूर आए। और केडी के बाद जो गाइस नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है गाइस वो है भाई आपके पास नेम चेंज कार्ड होना जरूरी है, क्योंकि गाइस भी आपको जो भी नाम रखना है रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम से पहले आपको जीटीएक्स लगाना पड़ेगा। यानी कि गाइस भाई अपनी गिल्ड के अंदर जितने भी गाइस बंदे गए उन सभी ने जीटीएक्स लगा के रखा है और आपको नेम का फॉन्ट खुद से आपको नेम नहीं रखना है, आपको बस गिल्ड के अंदर आना है। आने के बाद भाई लीडर या गिल्ड का ऑफिसर या एक्टिंग गिल्ड लीडर तीनों में से किन्हीं एक बंदे को ग्रुप में बुला के उनको बोलना कि भाई मेरे को इस नाम का फॉन्ट चाहिए गाइस, वो लोग आपको नेम का फॉन्ट प्रोवाइड करा देंगे और आपको बस सिंपल नेम चेंज कर लेना है। खुद से नेम चेंज करके गिल्ड के अंदर रिक्वेस्ट डालोगे तो नहीं लिया जाएगा। और गाइस अगर आप भाई एक बार गिल्ड से निकल जाते हो तो गाइस आपको दोबारा गिल्ड के अंदर एंट्री नहीं मिलने वाला, ये बात ध्यान से सुन लेना। और उसी के साथ साथ आपको पर डे गेम खेलना पड़ेगा, यानी गाइस भाई आपको पर डे 80 ग्लोरी कंप्लीट करना पड़ेगा किसी रीजन की वजह से। अगर आप गेम ओपन नहीं करते हो, अगर आप एक दिन दो दिन से गेम ओपन नहीं करते तो फिर आपको गिल्ड से निकाल दिया जाएगा। अगर आप एक दिन दो दिन गेम ओपन नहीं करते हो किसी रीजन के वजह से तो भाई मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो कि भाई मैं दो दिन से गेम ओपन नहीं कर रहा हूँ, मेरे को गिल्ड से नहीं निकालना, तो आपको नहीं निकाला जाएगा। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी लगे हाथ कर ही लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा या आप जीटीएक्स गेमर 0102 सर्च करना इंस्टाग्राम पे, फॉलो भी जरूर से कर देना। तो गाइस भाई आपकी आईडी का लेवल 30+ होना चाहिए, 2+ का केडी रेट होना चाहिए, सोलो डुओ स्क्वाड तीनों में से किन्हीं दो चीजों में और 15+ का हेडशॉट रेट एंड आपके पास नेम चेंज
कार्ड होना जरूरी है, और उसी के साथ अगर आप गिल्ड से एक बार निकल जाते हो तो फिर आपको दोबारा एंट्री नहीं मिलेगा। अगर ये सब आपके पास है तो भाई आप गिल्ड के अंदर रिक्वेस्ट डाल सकते हो, आपको गिल्ड का यूआईडी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा, मेन गिल्ड का ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दे दिया है। अब बात करते हैं सेकंड गिल्ड के बारे में। सेकंड गिल्ड के बारे में बताने से पहले आप सभी को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अपना जो पुराना सेकंड गिल्ड था, पहले वाला सेकंड गिल्ड वो ऑलमोस्ट लेवल 4 पे पहुंच चुका था, और गाइस भाई वो गिल्ड अभी अपने पास नहीं है क्योंकि उस गिल्ड का जो लीडर था गाइस भाई उसका आईडी स्कैम हो गया, और गाइस उस गिल्ड के अंदर भाई दूसरा कोई बंदा ऑफिसर भी नहीं था, ना ही गाइस कोई उसका गिल्ड का एक्टिंग गिल्ड था, जिसके वजह से गाइस कोई बंदा उसके अंदर कस्टम कार्ड भी क्लेम नहीं कर सकता। और गाइस भाई अपने पिछले फ्राइडे को भाई सभी बंदे ने मिलकर उसके अंदर 2000+ डॉक्ट अकाउंट किया था, बट उसके अंदर कस्टम कार्ड कोई क्लेम करने वाला बंदा ही नहीं है क्योंकि उस गिल्ड का लीडर जो था उसका आईडी स्कैम हो चुका है। जो भी बंदा उस गिल्ड के अंदर है, पुराने वाले सेकंड गिल्ड के अंदर, आप लोग उस गिल्ड से निकल जाओ क्योंकि गाइस भाई हम लोगों ने न्यू सेकंड गिल्ड क्रिएट कर लिया है GTX Gamer 2 के नाम से। बट टेंशन मत लो गाइस, बहुत बंदे को पहले आएगा भाई गिल्ड लेवल 2 का, इसके अंदर कस्टम कार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन टेंशन बिल्कुल भी मत लो गाइस, इसके अंदर भी आपको हर वीक सैटरडे को कस्टम कार्ड मिल जाएगा। सो गाइस भाई सेकंड गिल्ड का लेवल गाइस 2 है, और गाइस भाई इस गिल्ड के अंदर भाई आपको ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट देखने को नहीं मिलेगा, सिंपल भाई आपको सोलो डुओ स्क्वाड रैंकेड का सिर्फ और सिर्फ 1+ का कैंडिडेट होना चाहिए और 10+ का हेडशॉट रेट होना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में गाइस कोई भी नॉर्मल बंदा गाइस कर ही देता है। और नेक्स्ट चीज के लिए आपके पास नेम चेंज कार्ड होना चाहिए, क्योंकि इस दोनों में से किसी एक गिल्ड के अंदर जाते हो तो भाई आपको नेम चेंज करना पड़ेगा। सिंपल भाई आपको नेम का फॉन्ट गाइस गिल्ड के लीडर या ऑफिसर से लेना पड़ेगा गाइस, और उसके बाद में नेम चेंज करना पड़ेगा। पहले से नेम चेंज करके रिक्वेस्ट वगैरह मत डालना, नहीं तो गाइस लिया नहीं जाएगा। और गाइस अगर एक बार गिल्ड से निकल जाते हो तो दोबारा आपको गिल्ड के अंदर एंट्री नहीं मिलेगा, और आपको पर डे गेम खेलना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आप सभी को। तो सेकंड गिल्ड का लेवल 2 है, और इसके अंदर सोलो डुओ स्क्वाड तीनों में से किसी दो चीजों में या तीनों चीजों में आपका 1+ कैंडिडेट होना चाहिए, और 10+ का हेडशॉट रेट होना चाहिए, और नेम चेंज कार्ड आपके पास होना चाहिए, और पर डे आपको गेम खेलना पड़ेगा। अगर ये सब चीज भाई आपकी आईडी के अंदर है तो भाई आप सेकंड गिल्ड के अंदर रिक्वेस्ट डाल सकते हो, अगर इससे ज्यादा अच्छा खेलते हो तो भाई आप मेन गिल्ड के अंदर रिक्वेस्ट डाल सकते हो। दोनों गिल्ड का यूआईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, एंड सेकंड गिल्ड का यूआईडी आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। फटाफट से रिक्वेस्ट डालो, टाइम बहुत कम है, बंदा बहुत ज्यादा है। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक यार बाय 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 बाय।